तुम दोनों को कैसा लगा? तो उनका मेकअप मतलब एकदम बाप रे, मतलब पूरा पुणे का मेकअप ही उड़ा दिया ऐसा लग रहा था। भाई तेरे को कैसा लगा? मैंने जैसा एक्सपीरियंस किया जो नागपुर में है रेड लाइट एरिया, वो नागपुर में भी है? हाँ, वहाँ की जो है क्वालिटी वो अच्छी है। बुधवार पेट, ये शब्द सुन के ना मोस्टली लोगों के दिमाग में एक ही चीज आती है, वो है रेड लाइट एरिया। एशिया का लार्जेस्ट रेड लाइट एरिया सोनाकाची में है, जो कि वेस्ट बंगाल में आता है। सेकंड नंबर पे है कामतीपुरा, जो कि मुंबई में आता है। और थर्ड नंबर पे है बुधवार पेट, जो कि पुणे में आता है। पर रेड लाइट एरिया के अलावा भी काफ़ी सारी चीज़ें बुधवार पेट में पॉपुलर और फेमस है। तो पुणे में 5 मेन गणेश मंडल है, तो कस्बा पेट, गुरुजी तालीम, तांबडी जोगेश्वरी, केसरीवाड़ा, तुलसीबाग, ये 5 गणेश मंडल है। तो 5 में से 3 गणपति तुलसीबाग, गुरुजी तालीम और तांबडी जोगेश्वरी ये बुधवार पेट में आते हैं। पुणे का मोस्ट पॉपुलर और फेमस दगड़ूशेठ हलवाई गणपति भी बुधवार पेट में आता है। एकदंताय वक्रतुंडाय गौरी तनयाय धीमहि गजेशानाय भालचंद्राय। तो बुधवार पेट में और एक जगह काफ़ी ज़्यादा फेमस है, वो है अप्पा बलवंत चौक, यानी कि ABC चौक। तो आपको इस जगह पर ना आपको दुनिया भर की किताबें मिलेगी, आप जो बुक का नाम मांगो आपको वो मिल जाएगा। और मैं भी एक्चुअली जो अपनी कॉलेज की किताबें हैं वो ख़रीदने के लिए अप्पा बलवंत चौक पहुँचा था, और मैंने 2 नॉन एकेडमिक बुक्स भी खरीदे थे। तो यहाँ पर मैं पुणे में आया हूँ, ABC चौक यानी कि अप्पा बलवंत चौक। तो मेरे कुछ कॉलेज के बुक्स थे तो वो लेने के लिए मैं पुणे आया था। तो अभी मैंने जस्ट दगड़ूशेठ हलवाई गणपति का दर्शन लिया है, बहुत ज़्यादा भीड़ थी, कुछ शूट करने नहीं हो रहा था। और अभी मैं जो मेन अप्पा बलवंत चौक है ना, तो वहाँ पर आया हूँ, तो वो बुक्स के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है, स्ट्रीट ही है। तो हर प्रकार की बुक्स, अगर आप स्कूल में हो, कॉलेज में हो, जूनियर कॉलेज में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन में हो, कौन से भी बुक्स चाहिए ना आपको, यहाँ पर आपको मिल जाएगी। तो जो अभी मेरे कॉलेज की बुक्स है वो मैं लेता हूँ। Down that hiding one, let you stray. Just calm down, like it's waiting for you on the way. Down that hiding one, let you stray. तो यहाँ पर मैंने नोट टेक्स्ट लिए और 6 नोटबुक लिए, तो बिल कुछ ऐसा आया है, तो 1460 रुपीज़ का बिल है। पर काफी सारे स्ट्रीट बुक के स्टॉल है, तो मैंने 2 बुक्स लिए। एक तो है ये टू इपिक शीट बाय अंकुर वारिको, तो काफी बड़े यूट्यूबर है और यूट्यूबर के बुक्स तो मैं कभी मिस नहीं करता, तो ये मैंने एक लिए जो कि 400 रुपए को है। और दूसरी मैंने ये लिए एटॉमिक हैबिट्स, तो ये भी काफी ज्यादा फेमस बुक है, आपको नाम पता ही होगा। तो इसकी 800 रुपए प्राइस है, तो दोनों को मिला के 1200 रुपीज प्राइस है। पर यहाँ पर इतने सस्ते बुक्स मिलते हैं ना, मतलब मेरे को ये 2 1200 रुपए जो ओरिजिनल प्राइस है उन्होंने मेरे को 320 में दे दिए। तो भाई अगर आपको बुक्स लेने ना कोई भी, तो यहाँ से लीजिए। इतने सस्ते बुक्स देख के ना मेरे को और ज्यादा बुक्स खरीदने की इच्छा हो रही है, और मैं पढ़ने भी वाला हूँ वैसे अगर खरीदी तो। पर क्या है ना, मेरी बैग पूरी फुल हो चुकी है, बिल्कुल भी जगह नहीं बची है, एकदम हेवी हो गई है। तो अभी क्या, नेक्स्ट टाइम आऊँगा तब बुक्स लूँगा। और अभी मैं जाने वाला हूँ इंडिया का 3rd लार्जेस्ट रेड लाइट स्ट्रीट एरिया। हाँ जी, आपने बिल्कुल सही सुना, बुधवार पेट। अभी रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। ABC चौक के बीच गलियों में मेरे को ये वाड़ा दिखा पुराना, तो ये एकदम पुराना वाड़ा है, मतलब जो ओल्ड पुणे था ना, तो उस टाइम का ये वाड़ा है, क्योंकि स्ट्रक्चर देख के लगे पता चल जाता है। उसके बाद बुधवार पेट में और आसपास के एरिया में भी काफी सारे टूरिस्ट अट्रैक्शन है, जैसे कि राजा दिनकर केळकर म्यूजियम, शनिवार वाड़ा, लाल महल और तुलसीबाग का मार्केट। तो अभी मैं आया हूँ तुलसीबाग में, और आज संडे तो काफी ज्यादा भीड़ है, तो लेट्स एक्सप्लोर तुलसीबाग।
तो अभी हम फाइनली तुलसीबाग से निकल गए और हमारे साथ सर्वेश सर्वेश भाई सर्वेश और तेजस जुड़ चुके हैं। तो एक्चुअली हम साथ में ही निकलने वाले थे, पर इनकी बस आगे चली गई और मेरी बस पीछे रह गई थी, तो सब कन्फ्यूजन हो गया था। तो ये शनिवार वाड़ा और किधर क्या है तुम लोग? हम शनिवार वाड़ा और लाल महल। लाल महल तो कैसा था? अब जा रहे हैं बुधवार। तो कैसा था उधर का एक्सपीरियंस? उससे पूछो तू खुद भी ले। मैं नहीं बताता क्यों। मैं इंट्रोवर्ट। थक गए होगे, पानी पीजिए। अरे ये तोड़ गया था कि डोर का कसक कर 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 मजा आया। और मैं ये जो मजा है हिंदुस्तान के हर व्यक्ति को देना चाहता हूँ। ये रहा तेजस। तो वही कैसा था एक्सपीरियंस शनिवार वाड़ा और लाल महल? शनिवार वाड़ा था बस्ता है मेरे के। अरे हिंदी यार। अरे क्या है हिंदी, हम सुने मजे आ गए। मास्क काली का आता बोल, मास्क आता बोल। शनिवार वाड़ा तो बहुत अच्छा है बुकने की तारीख। और एंट्री फी भी नॉर्मल है। कितनी थी? 25। और लाल महल में? लाल महल इज फ्री। फ्री और लाल महल बंद नहीं था ना? पूरा चालू नहीं, चालू है। और लाल महल में ऐसा देखने लायक बहुत है, छत्रपति जी का, उनके बारे में बहुत कुछ है, मतलब उन्होंने कैसे स्टार्टिंग किया सब कुछ। तो जो वर्कर्स बुधवार पेट में आते हैं ना, तो उनमें से सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, इन जगहों से आए हैं। और वहाँ पर जो वर्कर्स हैं ना, वो उनके प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग ब्रॉथल्स में रहते हैं। तो फॉर एग्ज़ाम्पल, तो एक ऐसा ब्रॉथल है बुधवार पेट में जहाँ सिर्फ नेपाल से आए वर्कर्स रहते हैं। उसके बाद वहाँ पर एक ऐसा भी ब्रॉथल है जहाँ पर सिर्फ ट्रांसजेंडर लोग रहते हैं। और काफ़ी ज़्यादा बुधवार पेट में पुलिस के रेड्स भी होते हैं। तो बुधवार पेट का जो प्रॉपर एरिया है ना, उसका सिर्फ 5% रेड लाइट एरिया है, बाकी सब इलेक्ट्रॉनिक के शॉप है, क्लोथ्स के शॉप है और बाकी सब मार्केट एरिया है। और एक्चुअली हमें काफ़ी ज़्यादा दिक्कत हुई कि रेड लाइट एरिया कहाँ पर है। तो जैसे ही हमें वो मिला ना, और जो पहली गली थी उसमें हम एंटर किए, तो हमें एकदम वियर्ड और गंदी वाली वाइब्स आ रही थी। और हमें कुछ वर्कर्स दिखना शुरू हो गए थे। फिर हम फिर से सोचने लगे कि भाई जाए कि नहीं जाए। और बाकी के जो मेरे दो दोस्त थे ना, वो एकदम डर गए थे और मैं भी फिर डर गया बाद में। तो फिर मैंने थोड़ा डेरिंग दिखाया अपना और अपने दोस्तों को भी समझाया। निकाला ना चुपके से निकाला। उन्होंने अगर कैमरा देखा। तो जैसे ही हम थोड़ा आगे गए ना, तो वहाँ पर हमें एक होटल दिखा। तो होटल के थोड़ा सा पास में ही मैं कैमरा चालू करके व्लॉग करने वाला था, उतने में वो होटल ओनर मेरे को दिखा। उसको दिख गया था कि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो वो बोला कि भाई वीडियो मत शूट कर, बहुत लफड़े हो जाएंगे। तो फाइनली हम बुधवार पेट, तो फाइनली हम रेड। पर मेरा ऐसा है ना कि मैंने एक बार जो बोल दिया तो मैं खुद की भी नहीं सुनता हूँ। बहुत बुरा किया मैंने ये। 50 रुपये काटना पड़ेगा ओवर एक्टिंग का। तो हम थोड़ा और आगे निकल गए, पर इस बार मैंने क्या किया कि हम जैसे नॉर्मल चलते हैं ना, वैसे मैं चल रहा था, पर इस हाथ में मेरा फ़ोन था और मैंने वीडियो रिकॉर्डिंग ऑन कर दिया था। तो थोड़ा हम चले, तो इस सीन के बाद क्या हुआ कि एक वर्कर खड़ी थी पीछे, तो उसको पता नहीं कैसे पर पता चल गया कि मैं वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो उसने मेरा चालाकी से पीछा किया और थोड़ी देर बाद मेरा फ़ोन छीने की कोशिश की। तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया कि भाई कौन मेरा फ़ोन खींच रहा है। पर फॉर्चुनेटली हुआ क्यों
कि मैंने जो फ़ोन है ना वो एकदम फर्मली पकड़ के रखा था, टाइटली पकड़ के रखा था, तो इसीलिए वो फ़ोन मेरे से छीन नहीं पाई। तो एक मिनट के लिए मैं उधर ही खड़ा था। उस टाइम में वो क्या बोली मेरे को कि फ़ोन दे, पर मैंने बिल्कुल भी फ़ोन नहीं दिया। और फिर वो चिल्लाने लगी कि भाई इस पकड़ो, इसे पकड़ो। तो मैं काफ़ी ज़्यादा डर गया था, क्योंकि मेरे को पता था कि अगर इसको फ़ोन मिल गया ना मेरा, तो काफ़ी बड़ा लफड़ा हो जाएगा, फ़ोन मिलना मुश्किल हो जाएगा। और अगर मैं उसको फ़ोन नहीं देता और दो मिनट के लिए और उधर खड़ा रहता, तो भाई साहब वो मेरे साथ क्या क्या कर लेते, मेरे को सोच के टेंशन आ रहा है। समझ रहे हो ना। तो इसलिए मैं डर के मारे 9:02:11 हो गया उधर से, और एकदम तेज से भाग गया। और मेरे जो दो दोस्त थे ना, वो एकदम नॉर्मली चल रहे थे, तो उन्होंने मेरे को बाद में बताया कि भाई वो औरत तेरे पे हंस रही थी। तो ऐसा कुछ मेरे साथ सीन हो गया था। जो रेड लाइट एरिया है ना, वहां से मैं जा रहा था, तो मेरे को एक औरत ने पकड़ लिया। तो उसने देख लिया कि मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, तो मैं नीचे हाथ रख के शूट कर रहा था, फिर भी उसको पता चल गया। और वो बोल रही थी कि भाई पकड़ो इसे। मैं एकदम से भाग के चला गया, मेरी तो 2 मिनट के लिए आ गई थी फटके। गोटी मुंह में चली। हाँ, थोड़ी देर के लिए मेरी गोटी मुंह में चली गई थी। खतरनाक रहा। तुम दोनों को कैसा लगा? उनका मेकअप मतलब एकदम बापरे, मतलब पूरा पुणे का मेकअप ही उड़ा दिया चेहरे से, ऐसा लग रहा था। भाई तेरे को कैसा लगा? मैंने जैसा एक्सपीरियंस किया जो नागपुर में है, रेड लाइट एरिया, वो नागपुर में भी है। हाँ, वहाँ की जो है क्वालिटी वो अच्छी है, नागपुर के पास में। इधर सिर्फ क्वांटिटी ज्यादा है। क्या इधर की? इधर सिर्फ क्वांटिटी ज्यादा है, क्वालिटी नहीं है। तो अभी जो मेरे दोस्त बोले ना, वो एकदम मजाक में बोले थे, तो प्लीज इसको सीरियसली मत लो, मजाक को मजाक में ही लो। भाग भाग के बहुत ही थक गया हूँ, तो इसीलिए अभी दगड़ूशेठ हलवाई गणपति के पास में समाधान होटल करके है, तो वहां पर अभी हम खाने के लिए आए और 3 मसाला डोसा मंगाया है। तो मैं सिर्फ फोन लेके गया था रेड लाइट एरिया में शूट करने के लिए। मेरा फोन पकड़ने वाली थी, अगर मेरे पास ट्राइपॉड और माइक होता ना तो वो भी पकड़ लेती, और 1000 रुपये का नुकसान होता वो अलग से। कैसा लगा भाई? रिव्यू दे। थोड़ा ऑयली है। ओके, पर अच्छा है। तो बुधवार पेट में मजाक करने के लिए बिल्कुल भी गया नहीं था उधर। तो मेरा कैसा है ना कि एकदम क्यूरियस माइंड है, और बचपन से मैं बुधवार पेट के बारे में काफ़ी ज़्यादा सुनता था, तो मैं देखना चाहता था कि भाई एक्चुअली में बुधवार पेट कैसा है, उधर की वाइब्स कैसी है, और इतना लोग क्यों जोक्स बनाते हैं, मजाक उड़ाते हैं। कुछ दिनों बाद मैंने रेड लाइट एरिया के ऊपर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च की, और मेरे को काफ़ी ज़्यादा ये सीरियस टॉपिक लगा, और काफ़ी ज़्यादा बुरा भी लगा, क्योंकि जो रेड लाइट एरिया में जो लोग वर्कर्स हैं ना, तो वो ह्यूमन ट्रैफिकिंग इंडस्ट्री से उनको लाया जाता है। तो इंडिया में 1000 से भी ज़्यादा रजिस्टर्ड रेड लाइट एरिया है, और अनरजिस्टर्ड रेड लाइट एरिया कितने हैं पता नहीं। और शॉकिंग फैक्ट तो ये है कि इस देश में 3 मिलियन वर्कर्स ऐसे काम करते हैं। कई बार तो बॉलीवुड से भी ये वर्कर्स आते हैं, तो होता क्या है कि लड़कियों को काम नहीं मिलता बॉलीवुड में या फिर मूवीज़ में, तो ऐसी लड़कियों को वो बोला जाता है कि हम आपको मूवीज़ में काम देंगे, और मूवीज़ में काम देंगे बोलकर ऐसी जगह पर उनको लाया जाता है। और बुरा तो तब लगता है ना कि जब लड़कियों को फोर्सफुली लाया जाता है ऐसी जगह पर, तो उनको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, मारते हैं, पीटते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा ड्रग्स देते हैं, और ऐसी लड़कियां भाग भी नहीं सकती ऐसे एरिया से, क्योंकि अगर सक्सेसफुली भाग भी गई तो सोसाइटी एक्सेप्ट करेगी नहीं करेगी उनको पता नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम नहीं करती एक्सेप्ट। अगर भागते वक्त पकड़े गए तो उनको तब तक मारा जाता है जब तक वो बेहोश नहीं होते, और इन एक्सट्रीम केसेस उनका मर्डर भी किया जाता है। और रेड लाइट एरिया में बाउंडेड लेबर्स भी काम करते हैं। तो बाउंडेड लेबर्स क्या होता है? तो बाउंडेड लेबर्स ऐसे वर्कर्स होते हैं, मतलब उनके पास पैसे नहीं होते और वो बैंक से लोन भी नहीं ले सकते, तो वो ब्रॉथल के मालिक के पास जाते हैं, उनसे कुछ पैसे लेते हैं, और बदले में जो वो कहे उनको करना पड़ता है। तो ऐसे ब्रॉथल्स में
बाउंड्री लेबर्स काम करते हैं। ये सब सुन के आपको लग रहा होगा कि रेड लाइट एरिया इलीगल होगा, तो भाई ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। रेड लाइट एरिया इंडिया में पूरी तरीके से लीगल है। तो प्रोस्टिट्यूशन सिर्फ ऐसी जगहों पर इलीगल है जहाँ पर हॉस्पिटल्स है, स्कूल्स है और टेम्पल्स है, तो सिर्फ ये इन जगहों पर ही रेड लाइट एरिया बनाना या फिर प्रोस्टिट्यूशन इलीगल है। तो आप बोलोगे कि भाई इलीगल या फिर पूरी तरीके से बैन क्यों नहीं करती गवर्नमेंट, तो भाई हमारे देश में ना रेप केसेस ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, और अगर हमने रेड लाइट एरिया को बैन कर दिया तो जो रेप केसेस यहाँ पर है ना, तो वो इस लेवल तक पहुँच जाएंगे। तो इसीलिए जो हमारी गवर्नमेंट है वो रेड लाइट एरिया के ऊपर कोई एक्शन नहीं लेती। तो आपको पता है क्या ये सबकी जड़ क्या है? ये जो आपको वर्ड दिख रहे हैं ना स्क्रीन पर, ये सबकी जड़ है। तो हमारे इंडिया में ना अभी भी ये टैबू टॉपिक है, कोई भी इसके बारे में ओपनली बात नहीं करता है। तो जब तक हम इस टॉपिक के बारे में ओपनली बात नहीं करते हमारे स्कूल्स में, हमारे घर में, तो तब तक ये चीज़ कम नहीं होने वाली है। और इन सब चीज़ों के बारे में हमें अवेयरनेस भी स्प्रेड करना चाहिए जिनको पता नहीं होता, जैसे कि जो दलित से, जो माइनॉरिटी लोग है, जो गांव में रहते लोग, उन सबको हमें बताना चाहिए, एजुकेट करना चाहिए, तो तभी जाके ये जो सिचुएशन है वो अंडर कंट्रोल आ सकती है, कम हो सकती है। मैंने पुणे की काफ़ी ज़्यादा जगह एक्सप्लोर कर रखी है, तो अगर आपको वो देखना है तो आप ये प्लेलिस्ट देख सकते हो। और अगर आपको पुणे के फूड व्लॉग्स देखने हैं ना, तो आप ये वाली प्लेलिस्ट देख सकते हो। और मैं मिलता हूँ आपसे अगले व्लॉग में। चैतन्य पिंपुटकर signing off. Stop the moment, breathe in and breathe out. मैं बचपन से बुधवार पेट के जोक सुनता था, और काफ़ी ज़्यादा लोग बुधवार पेट के बारे में डिस्कस करते थे जब भी टॉपिक निकलता था। क्या बोल रहा हूँ मैं।